लेकिन मैडम तो अच्छे से, मैडम को तो पता है मैडम के शेल्टर में है, उसकी डेथ का रीजन उनको पता है, वो कितने दिन से मरा पड़ा है इस बात की भी वो फिक्र नहीं करती थी। बिना सोचे समझे उस जानवर को कटवा के कुत्तों को खिला देती थी। तो ये जो बच्चे खिलाए जाते थे, जैसे कि मरी हुई भेड़, मरी हुई बकरियां, काफी दिनों से जानवर को खिलाई जाती थी, स्पेशली कुत्तों को, तो उससे ये बच्चे बीमार भी होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल बीमार होते थे ज्यादातर बच्चों को, जो हेल्दी बच्चे हैं उन तक को डायरिया हो जाता था, वॉमिटिंग हो जाती थी, और वो जब ऐसी जो उनकी बोन्स होती थी वो भी प्रॉपर बॉयल नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो सीधा निकल लेते थे अंदर, और वॉमिट में उनकी साफ साफ पूरी पूरी हड्डी बाहर आती थी। और यही स्वयंसेवी संस्था दूसरे पशु प्रेमियों के घरों से जबरन उनके पालतू जानवरों को सही तरीके से ना रख पाने के झूठे आरोप लगाकर और अपनी राजनीतिक ताकतों के द्वारा उठाकर ले जाती है। इन जानवरों की क्या दुर्दशा होती है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। इस हॉस्पिटल को बंद कर नया बनाने से क्रूरता खत्म हो जाएगी, या जो अपराध उन्होंने किया है, जो पिछले 4 सालों से ये बच्चों को मारते हुए आ रहे हैं, क्या वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी? आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा स्टाफ रहेगा तो उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आने वाले टाइम में आप लोग किसी को फ़ोन लेके, कैमरा लेके अंदर अलाउ करोगे। तो हमारी इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सभी जगह कैमरे लगाइए। शेल्टर बंद करना सोल्यूशन नहीं है, और आप इस चीज़ से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि चाहे आप नया बना लो लेकिन कैमरेज की डिमांड तब भी रहेगी, उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग गेट पे देखना चाहेंगे। ये हमारे लिए भी एक आदर्श की बात होगी, और बाकी जानवर जितने भी हैं मासूम, उनको बचाने के लिए भी ये बहुत अहम मुद्दा रहेगा। हमारा ये अहम सवाल है, जैसे कि ये जो संस्था है संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर, ये श्रीमती मेनका गांधी द्वारा चलाई जाती है, और पिछले 2.5-3 महीने से आप वहाँ पे लगभग काम कर रहे हो। क्या आपने एक भी बार शेल्टर के जो ओनर है श्रीमती मेनका जी, उनको देखा है वहाँ आते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए या स्टाफ से मिलते हुए, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसा लगभग 3 महीनों में एक भी बार नहीं हुआ जब मेनका मैडम आई हूँ और वो स्टाफ से मिली हो या बच्चों की कंडीशन उन्होंने देखी हो या फिर शेल्टर की हालत देखी हो। जब शेल्टर का मालिक नहीं आएगा 3-3 महीने से, साल भर से, तो उसे क्या पता चलेगा? आप अपने इंचार्ज से पूछोगे, इंचार्ज अपनी नौकरी बचाने के लिए आपको मनगढ़ंत बातें बताएगा और कहेगा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन असलियत में वहाँ पे बच्चे सिर्फ मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाम पे खाली उनको शोषित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पीटीएस करा जा रहा है। ये जितनी भी वीडियोस में कुत्ते मरे हुए हैं, आप ये देखो कितने सारे कुत्ते मरे हुए हैं। इन कुत्तों के हाथों में बैंडेज लगी हुई है, इसका मतलब इनको ड्रिप लगी है, और मरने के बाद भी ये ड्रिप की पट्टी ऐसी लगी हुई है, इसकी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके साथ इनको पुट डाउन किया गया हुआ है। इस भारी तादाद में पुट डाउन करके डस्टबिन में बच्चे डाल रखे हैं। ये हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि जब तक आप कैमरेज नहीं लगाओगे, भले ही बड़ा हॉस्पिटल बना लो, नया बना लो, तो ये दोबारा घटना रिपीट होगी, फिर आप कहाँ तक भागोगे? एक तरफ तो सरकार से मदद मांगने के लिए बोलते हो, गुहार लगा, शर्मनाक घटनाएं, आप लोग प्लीज जवाब दीजिए, और ये नकली नाटक मत कीजिए कि नो मोर 50, क्योंकि आप लोगों की सत्ता है, आप लोगों का ही कानून बन सकता है। विपक्ष के पास कुछ भी इतनी सीटें नहीं है कि वो कानून में आपको रोक सके। जब सरकार ही आपकी, सब चीज़ आपकी, तो ये कानून बन क्यों नहीं रहा? और इस कानून की शुरुआत हम चाहते हैं कि मैडम आपके संजय गांधी से शुरुआत हो, ताकि आप दूसरे के लिए भी आदर्श बनो, आइडियल बनो। कैमरे लगाइए प्लीज। धन्यवाद।
तो इन सब चीज के बाद आप चाहते क्या हो मैडम जी? मैं यही चाहती हूँ, पहले तो संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप उसको मैनेज करने के लिए एटलीस्ट हर सेक्शन में कैमरेज लगवाएं, वहां पर आप नजर रखें कि पैरावेट क्या कर रहे हैं, आपके हेल्पर क्या कर रहे हैं, केयरटेकर्स क्या कर रहे हैं और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हर बच्चे का सही से ट्रीटमेंट हो, कोई दोबारा इस क्रुएल्टी का शिकार ना हो। और पूरा स्टाफ जब भी आप नया रखते हैं आप एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड चेक करें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी साइन करवाएं जिससे वो ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचे। साथ ही एक कैमरा लगाने के बाद एक बड़ी स्क्रीन आप अपने गेट के पास लगाएं जिससे पूरी पब्लिक उस पर नजर रख सके कि उनके बच्चे अंदर सेफ हैं या नहीं है। साथ ही संजय गांधी के बाहर एक पुलिस चौकी भी सेटअप होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसा कोई भी केस आता तो हमें कहीं दूर ना जाने की जरूरत पड़े, पास में ही उसका सॉल्यूशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा, और हमें अपना कीमती समय देने के लिए और लोगों को सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, हमारे साथ साथ जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब आपके साथ हैं। और तो कुछ लोग आपको दबा भी रहे होंगे, आपके पास मैसेजेस भी आ रहे होंगे, आपके पास फोन कॉल्स भी आ रही होंगी, तो कुछ ऐसा हो रहा है तो आप वो भी बताइए ताकि हम लोग लोगों को बता पाए कि कंप्लेंट और डॉग क्रुएल्टी तक ही नहीं बल्कि आपको बाद में भी थ्रेट दिया जा रहा है, कॉल जा दी जा रही है और आपको बुला रहे हैं भाने से या डरा रहे हैं, आप वो प्लीज वो भी बताइए। देखिए मेरे पास कॉल्स तो लगातार आ रही है, कभी किसी के थ्रू कॉल्स आ रही है कि आप लिए संजय गांधी आई और संजय गांधी ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप इतना ही सच्चे हो तो आपने क्यों छोड़ दिया संजय गांधी। संजय गांधी छोड़ने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि मैं ऐसी किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ना चाहती या काम करना चाहती जहां पर वो क्रुएल्टी को सपोर्ट करते हो या फिर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिमिनल्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो वो वहां का मैनेजमेंट सपोर्ट ऐसे कर रहा है कि प्रदीप और सत्यम अब तक गायब है। अगर वो लोग सच में चाहते हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले जिसके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट हुई है, तो सबसे पहला तो उनका यही स्टेप होना चाहिए था कि वो दोनों को अरेस्ट करवाएं, लेकिन वो दोनों अरेस्ट नहीं हुए, दोनों ही फरार है और मेरे को लगातार खतरा बना हुआ है कि उन दोनों में से कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मेरे को कॉल्स आ रहे हैं कि आप प्लीज आइए मैडम से बात कीजिए या फिर ये मैटर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो इसमें मेरे को लगता है सॉर्ट आउट करने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ है। मैं लड़ रही हूँ तो सिर्फ उस बच्चे के लिए और हर उस बेजुबान के लिए जो ऐसे कहीं ना कहीं क्रूरता का शिकार होता है एनिमल लवर्स के पीछे। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे जो कोवर्कर्स हैं जो संजय गांधी में अभी भी जॉब कर रहे हैं उनके मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती की वीडियोस बनवाई जा रही है ताकि वो लोग अपनी छवि को जो उनकी एक इमेज खराब हुई है उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम आया है वो उसको सही कर सकें। तो उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रुएल्टी करते हैं तो आप प्लीज उस बात को एक्सेप्ट कीजिए बजाय इसके कि आप उसके उस अपने आप को बचाने के लिए उसको सही साबित करने के लिए क्रुएल्टी को सही साबित करने के लिए क्रिमिनल्स का सपोर्ट ना करें और ना ही किसी से जबरदस्ती की वीडियोस बनवाएं जिससे ये पता चलता है कि आप अपनी सिर्फ छवि अच्छी करना चाहते हैं और कुछ भी आपका मोटिव नहीं है।